अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फहाद है और मेरी शॉप का नाम गद्दा फर्नीचर है, जो कि ये गरीबाबाद अंडरपास के साथ बाकी है। पार्टेक्स की शीट्स यूज़ करके हमें जो बेनिफिट्स मिले हैं, हमें वो पहले दूसरे ब्रांड्स के यूज़ करने में नहीं मिले। सबसे पहला जो हमें फ़ायदा जो मिला कि ये जो पार्टेक्स की जो शीट है इसमें बैंड नहीं होती है। दूसरी चीज़ ये कि इसमें स्मेल नहीं होती है, बहुत से हमारे कस्टमर हजरात जो हैं इस्तेमाल करते हैं फर्नीचर। तीसरी चीज़ ये कि इसके अंदर अच्छी ड्यूरेबिलिटी, मजबूती है, पायदारी है। कस्टमर हजरात के दरमियान पार्टेक्स को लेकर एक मिसकॉन्सेप्शन या एक मिथ पाई जाती है कि वो ये समझते हैं कि पार्टेक्स कोई लकड़ी है या कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो लकड़ी लगता है या लकड़ी है। हालांकि पार्टेक्स जो है कोई लकड़ी नहीं है, ये एक ब्रांड का नाम है। ये जो ब्रांड है पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा मशहूर है। आजकल मार्केट में एक और प्रैक्टिस देखी जा रही है कि कस्टमर जो आते हैं वो फर्नीचर जो मांगते हैं वो पार्टेक्स लेमिनेशन या पार्टेक्स की प्रोडक्ट में मांगते हैं। लेकिन इस चीज़ का जो है बहुत से जो दुकानदार हजरात हैं वो इसका एक गलत फ़ायदा उठाते हैं कि वो पार्टेक्स में बना हुआ फर्नीचर नहीं होता, वो दूसरी जो लोकल ब्रांड है उसमें बना हुआ होता है। थोड़े से हमारे कस्टमर अनअवेयर हैं या नावाकिफ हैं इस चीज़ से कि ये आया कि बोट पार्टेक्स का ही है या किसी लोकल ब्रांड का है। तो इस चीज़ सिलसिले में अपने में कस्टमर हजरात को आगाही देना चाहूँगा कि जब भी फर्नीचर परचेस करें तो उसकी तस्दीक कर लें। ठीक है जी, उसमें होता ये है कि फर्नीचर पार्टेक्स की एक स्टैम्प लगा के देती है पार्टेक्स कंपनी, जो उसमें किसी भी एक जगह आ सकती है। ज़रूरी नहीं कि हर जगह वो स्टैम्प मौजूद हो, किसी भी एक हिस्से पे आ जा सकती है। इसलिए मैं कहता हूँ कि हर बोर्ड पार्टेक्स नहीं होता है, अब फर्नीचर हो तो पार्टेक्स में बना हुआ होगा।